तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बैंजो की लंगोट कैसे बनाएं और उसे किस मेजरमेंट पे सेट करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ जिस प्रकार से मेजर टेप लेना है और उसको रीड पट्टी से लेकर अपने ब्रिज तलक 5 इंच जहाँ आता है, आप देख सकते हो 5 इंच जहाँ आ रहा है हमारा, वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है पेन की मदद से। तो आप देख सकते हो हमने 5 इंच की मार्किंग कर ली है, ये देख लो 5 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो उसके बाद दोस्तों हमें बैंजो का लंगोट बनाना है। लंगोट बनाने के लिए हमें बेस तार का कुछ ऐसा टुकड़ा लेना है और उसको कुछ इस प्रकार से ऐसा बेंड करना है। बेंड करने के बाद हमें इसके आगे वाला जो छोर है उसको उसको भी बेंड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। कुछ दिख रहा है देखो ऐसा, और ये जो छोर है उसको ऐसा घुमा देना है, देखो ऐसा। इसको ऐसा घुमा देना है। ये हो गया लंगोट, अब इसको हम बैंजो में सेट करेंगे। तो दोस्तों लंगोट तो हमने बना लिया है दो, एक मेन तार एक बेस तार के लिए। अब इसे फिट कैसे करें, तो फिट करने के लिए इधर दिखा है ब्रिज को ऐसा गैप दिया है, आप देख सकते हो कुछ खाँचा मारा हुआ है, तो हमें इस खाँचे में इस लंगोट को फिट करना है। तो हम फिट करेंगे अभी इस प्रकार से, हमने फिट कर लिया। उसके बाद हमें मेन तार रखना है इसके ऊपर और बेस तार इसके ऊपर। तो दोस्तों मेन तार टाइट करने के बाद हमें स्टार्टिंग में जो बताया था 5 इंच की मार्किंग ब्रिज पर, तो हमें क्या करना है, बैंजो का लंगोट उस 5 इंच के मार्किंग पे लाना है। मेन तार का और बेस तार का दोनों सेम रहेगा 5 इंच की मार्किंग। तो दोस्तों रीड पट्टी और ब्रिज 5 इंच का मेजरमेंट ये क्या है, तो 5 इंच का मेजरमेंट हमने क्यों लिया, क्योंकि एक बैंजो का एक ये फिक्स मेजरमेंट रहता है जिससे कि हमारा बैंजो सुरीला बजता है 5 इंच पर। तो अगर ये 5 इंच के आगे हुआ ऐसा कुछ इस प्रकार से पीछे हुआ तो बैंजो सुरीला नहीं बजता हमारा। तो कभी भी बैंजो की लंगोट और रेड पट्टी में दूरी ये 5 इंच की होनी चाहिए।